HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए आपको बताते हैं, आज HR News आपको दिखाने जा रहा है अपनी खबर का एक बड़ा असर। हम लोगों ने आपको दिखाया था, अभी लगातार इस खबर दिखाया था HR News पे, ये जो रेवाड़ी के जेल रोड है, कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम वो चीजें दिखाएं एक बार दोबारा से। ये जेल रोड है जहाँ अब कहीं ना कहीं इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। HR News ने लगातार आपको कई बार इस चीज को दिखाया था कि यहाँ जो लोग हैं नरक से भी ज्यादा बेहतर कहीं ना कहीं जीवन जीने को मजबूर है। ये जो जेल रोड है, आपको बता दें इस जेल रोड की कहानी, ये कई सालों से ये रोड खराब था और बरसात का पानी इसी तरीके से गंदा यहाँ भर जाता था और कई कई दिनों तक यहाँ पानी जमा रहता था, जिसको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग बेहद परेशान थे। और HR News ने लगातार इस मुद्दे को बड़े प्रमुखता से एक बार नहीं 5 बार कम से कम इस मुद्दे को उठाया था और आज इसका कहीं ना कहीं निर्माण कार्य शुरू हुआ है। हम उन लोगों से भी मिलाएंगे जिन लोगों ने अपनी बातें इस रोड को लेकर के रखी थी कि तमाम ये अधिकारी आए और इस रोड की जो दुर्दशा नहीं सुधरी। हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि रेवाड़ी के अंदर करीबन 1 दर्जन से ज्यादा नेता आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मगर किसी ने भी इस रोड के बारे में सुध लेने की कोई कोशिश नहीं की, ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस रोड की समस्या को कभी गंभीरता से लिया। हालांकि HR News ने बार बार आपको इस खबर को दिखाया, तब कहीं जाकर के प्रशासन की नींद खुली। वहीं जितने भी नेता आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट लेने की तैयारी कर रहे हैं, टिकट लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी आम आदमी के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया। उनको सिर्फ और सिर्फ टिकट के सपने ही दिन और रात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिला उपायुक्त के संज्ञान में मामला है, जब बड़े अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा और अब यहाँ पर सड़क निर्माण और पानी निकासी का बंदोबस्त किया जा रहा है। आपको दिखाई देखिए कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चल रहा है, रोड को तोड़ दिया गया, दोबारा नया बनाने की तैयारी की जा रही है। हम लोगों ने आपको दिखाया था कि यह सैकड़ों की तादाद में रेहड़ियाँ लगती है, हजारों लोग यहाँ बर्गर पिज्जा और ये खाने के लिए आते हैं। आप कैमरा पर्सन से कहेंगे वो रेडिया भी दिखाएंगे अगर किस तरीके से यहाँ लोग आते हैं, और वो लोग भी दिखाएंगे जो यहाँ रोज अपने चाय नाश्ता करने के लिए आते हैं, बर्गर पिज्जा चाउमीन वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ खाने के लिए आते हैं। और वो रेडी वाले भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी बातें रखी थी और हमें बताया था कि ये रोड कई वर्षों से खराब है, रोड की हालत नहीं है। आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे देखिए हजारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं खाने पीने के लिए और कहीं ना कहीं इसी नरक के अंदर ये लोग आते थे और अब कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई हुई है, प्रशासन इनसे ज़्यादा है। तमाम प्रशासन ने कोशिश करी है कि अब इसको रोड को तोड़ करके बनाया जाए। तो हमको बता दें HR News की खबर का बड़ा असर कहीं ना कहीं हुआ है। देखिए हमारे साथ वो लोग भी हैं जो यहाँ खाने के लिए आप एक बात बताइए, HR News ने खबर दिखाई थी नरक से ज़्यादा बेहतर जीवन, अब ये रोड का काम शुरू हुआ, क्या लगता है नींद से जागा प्रशासन? बढ़िया, बिल्कुल अच्छी तरह से जाग गया है। हम यहाँ पे पहले भी अक्सर आते थे, यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल था, आने जाने में बहुत समस्या होती थी, पानी की वजह से साधन से जल्दी से नीचे नहीं उतर सकते थे। आप लोगों ने आवाज़ उठाई, बहुत ही अच्छा काम किया, हम चाहते आगे भी आप ऐसा ही काम करते रहो। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम, जिस तरीके से देखिए कूड़ा घर भी बना हुआ है, यही रेडिया यही मक्खी मच्छर, नहीं लगता कोई व्यवस्था करनी चाहिए एक जगह रेडी लगने लगी? थोड़ी सी प्रशासन ने लापरवाही कर रखी है, ऐसे ही आप लोग अगर यदि थोड़ी सी आवाज़ उठाते रहोगे तो शायद प्रशासन की आंखें खुल जाए और वो जागरूक और इस चीज़ के लिए भी कोई ठोस कदम उठाए। शुभ नाम अपना? मेरा नाम अमित है, मैं धारवेड़ा का रहने वाला हूँ और अक्सर रेवाड़ी आता रहता हूँ। देखिए ये अमित है धारवेड़ा से और यहाँ अक्सर बर्गर पिज्जा खाने के लिए आते हैं, और आपको बताएं कैमरा पर्सन से कहेंगे वो तमाम लोग भी दिखाए जो यहाँ खा रहे हैं और इनको भी कहीं ना कहीं जलानी होती थी जिस तरीके के गंदगी के आलम में ये लोग खाते थे। और अभी भी आपको बता दें घर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन अब लोगों की मांग ये है कि ये गंदगी के ढेर यहाँ से हटाया जाए क्योंकि तमाम रेडिया एक जगह लगना स्टार्ट हो गई। और सड़कों की आपको बताएं ये जो मेन रोड है यहाँ बरसात का पानी ऐसा भर जाता था कि कई कई दिनों तक नहीं निकलता था, तमाम स्कूल जाने वाले बच्चे या यहाँ बर्गर पिज्जा खाने के लिए आने वाले लोगों को बारिश के इस बरसात के अंदर ही खड़ा होना पड़ता था। आपको बता दें कि हमने तमाम लोगों से बात करी, अब इन लोगों का क्या कहना है, अब एक बात बताइए अब आपका क्या कहना है, ये सड़क बनने लग गई क्या असर हुआ है खबर का? भाई कुछ भी असर ना हो यहाँ पे तो नहीं, ये पक्का पता भी नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी। नहीं अब तो तोड़ दिए लोग बना रहे हैं, तोड़ दिया तो कल ही बन जाएगी, महीना भी लग सकता है 2 महीने, लेकिन बन गई तो आपको कितना फायदा होगा, क्या लगता है क्या वहां से उठेगा तो यहाँ पानी का जहाँ से हो जाएगा? व्यवस्था प्रशासन ने कहीं ना कहीं जागा नहीं इनसे, थोड़ा बहुत जागा ना प्रशासन जब तोड़ करके। प्रशासन यहीं से आते हैं, DC साहब सब आते हैं यहाँ से, पूरा प्रशासन जाता है, कूड़ा वगैरह है इतनी साल से गिन रहा है तक की कोई सुनवाई नहीं हुई है। वो तो हम सवाल अब भी उठा रहे हैं, लेकिन सड़क का निर्माण तोड़ के बनाने लगे तो आपको क्या लगा HR News? थोड़ा बहुत फायदा होगा जी, ऐसी बात थोड़ी नहीं। HR News ने दिखाई थी खबर उस दिन, आप थे या गवाह हैं? हम थे नहीं जी, हम थे यहाँ पे।
तो देखिए ये एचआर न्यूज के गवाह भी हैं और ये इन्होंने खुद ने अपना वहाँ वर्जन भी दिया था उस वक्त जब हमने दी थी। और भी बहुत सारे लोग यहाँ थे जो खाना खाने के लिए आए थे, बर्गर पिज्जा वगैरह। पहले बार आया हूँ तभी दे रहा हूँ, देर है तो देर हटाओ, इसका कुछ ना कुछ प्रशासन करे, प्रशासन को करना चाहिए। अब सड़क का निर्माण हो रहा है, पानी भर जाता था, देखा था आपने कैसे हालात थे। सड़क का निर्माण हो रहा है, अभी भी पानी भर रहा है, अभी कौन सा सूख रहा है। नहीं, अब सड़क बन जाएगी तो थोड़ी बहुत राहत मिलेगी आपको। सड़क बनेगी तब मिलेगी, उससे पहले थोड़ी ना मिलेगी। देखिए कहीं ना कहीं लोगों के मंसूबे अभी भी पूरी तरीके से नहीं है, कि अगर क्योंकि उम्मीद कहीं ना कहीं खत्म हो गई आम युवाओं को, ये मान लेंगे अभी सड़क बनेगी उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन हम फिर ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं प्रशासन नींद से जागा है, सड़क बनाने का जो कार्य किया है चालू किया है वो कहीं ना कहीं पूरे करना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उसको भी कहीं ना कहीं अधर में छोड़ दिया जाए। जेल रोड पे काफी देर से हमारी डिमांड थी लोगों की कि भाई जेल रोड पे जो है टूटा पड़ा था, और इस तरह आपकी न्यूज चैनल ने भी शायद इसके बारे में कई बार मांग उठाई थी, तो हम प्रोसेस में थे और अब इसका काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी इसको बहुत अच्छी सड़क इसको बनाई जाए। पानी वानी भर जाता था, काफ़ी समारोह वगैरह भी, कुछ धर्मशालाएं हैं वहाँ पे, नहीं डंपिंग उसके भी हम बहुत जल्दी निवारण करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज़ रेवाड़ी। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा कालका से शुरू हुई है, जो कि पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हुए हमारे रेवाड़ी जिला में 11वें दिन यानी 31 तारीख को रेवाड़ी पहुंचेगी। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि शनिवार को 31 तारीख को आप लोग नाईवाली पर 11:30 बजे मुख्यमंत्री जी के विचार सुनने, उनका स्वागत करने के लिए और उनका धन्यवाद करने के लिए एकत्रित हों। जय हिंद, जय भारत। मैं पारिशा शर्मा, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा रेवाड़ी। अब की बार 75 बार फिर से हरियाणा में मनोहर सरकार। मैं नरेंद्र राव मोनू राव, फॉर्मर वाइस प्रधान जिला बार एसोसिएशन रेवाड़ी। मैं वार्ड नंबर 14 से, मेरी मम्मी पार्षद का चुनाव लड़ेंगे रानी की डोली से। सभी से मेरा आग्रह है कि वो मेरी मदद करें। आगामी चुनाव कमेटी के हैं पार्षद के, उसमें पूर्ण बहुमत से हम लोग जीतेंगे।